क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? टेंशन इस बात की है कि मीरा विक्की को पंचम के बारे में सब कुछ बताना थे। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए हाँ की है। वैसे भी पंचम से उसके सारे रिश्ते टूट चुके हैं। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर विक्की ने मीरा से उसके पास के बारे में पूछा और आपकी सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सब कुछ उगल दिया तो? देखो। हाय आंटी। हाय अंकल। अरे आ गए तुम लोग। हाउ वाज द इवनिंग? इट वाज ग्रेट, एक्सेप्ट कि एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते बच गया बस। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? नहीं अंकल, घबराने की कोई बात नहीं, बस हमारी गाड़ी से किसी और की गाड़ी टकराते बच गई। दैट्स इट, इसलिए नो डैमेज नो लॉस। क्यों मीरा? यस, नो डैमेज। मैं निकलता हूँ अंकल। सी यू अंकल। सी यू आंटी। बाय मीरा। बाय मीरा। बेटा तुम्हें विक्की कैसा लगा? पापा आप मुझसे ओपिनियन क्यों मांग रहे हैं जब मेरी ओपिनियन काउंट ही नहीं करती? आप लोगों ने तो ऑलरेडी मेरी जिंदगी का फैसला कर ही दिया है ना, और अब आखिरी फैसला करने वाला है ये विक्की, तो आप उससे ही पूछिए कि मैं उसे कैसे लगी, है ना? अब क्या हुआ? क्या विक्की पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा? इसका मतलब तुमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और इसका यह भी मतलब है कि तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे अतीत की वजह से। बेटा अतीत में अब बचा ही क्या है? क्यों नहीं तुम अपने अतीत को भुलाकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करती? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं कि एक बटन दबाया और अपने सारे गम भूलकर मैं नाचने गाने लगूं। पापा मैं कोशिश कर रही हूँ अपने अतीत को भूल जाऊं, लेकिन विल टेक मी सम टाइम, प्लीज। तो मैं दुआ करूंगा कि तुम अपनी कोशिश में कामयाब रहो, क्योंकि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल को रुलाते हैं। पापा, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। आपको एक बात कहूं, पंचम कहा करता था कि मोह एक विकार है, वो अपना सा लगता है लेकिन बदले में बहुत तकलीफ देता है, बहुत। देखे ना How true it is. मैं किसी के मुंह में रोती हूँ और आप लोग मेरे मुंह में। बेटा ये बात ठीक है, पर तुम्हारी फेवर में बिल्कुल गलत है। तुम उसे बार बार याद करोगी तो उसे कैसे भुला पाओगी? तुम्हें उसे भुलाना ही होगा। पापा मैं पूरी कोशिश करूंगी और मैं उसे भूल भी जाऊंगी, और देखना वही होगा जो आप चाहेंगे। जीती रहो, खुश रहो। बंसी जी। प्रधान जी, ये अलमारी यहीं रहने दो, बेबी के तमाम कपड़े निकाल के दूसरे कमरे में अच्छी तरह संभाल के रख दो, और देखो इस कमरे में बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, उस लड़के को साफ सफाई बहुत पसंद है। जी प्रधान जी। हाँ।
नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो मुंबई से कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, उनके लिए कमरा ठीक कर रहे हैं। वो इसी कमरे में रहेंगे ना? इस कमरे में? राधिका से पूछा? वो प्रधान जी ने कहा है कि वो इसी कमरे में रहेंगे, इसीलिए कमरा ठीक कर रहे थे। ठीक है। ले भाई कुड़िये तैयार हो जा। है ए ए ज्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं चाचू ठीक है। हाँ चला जा। तो बता ये कितनी उंगलियां हैं? पता नहीं। और ये कितनी उंगलियां हैं? ओ चाचू तुझसे भी कमाल करते हो, आंखों पर पट्टी बंधी है तो दिखेगा कैसे? अरे वो तो मुझे भी पता है, तुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन टेस्ट करने में क्या हर्जा है कि नहीं? हाँ चलो भाई बच्चों सारे तैयार हो जाओ। हैं चलो भाई तैयार हो जाओ। रेडी 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 चल लप। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। लुक छुप जाना मकई का दाना। थक गई थी जल्दी, अभी तो कहता हूँ देसी क्यों खाया कर, थोड़ी जान आए तेरे अंदर। और चल चैटिंग करती रहती है सारा दिन। से ये पाके गई है ना, बहुत वड्डा भूकंप आने वाला है, मैं देखता हूं। ओए ठहर रुको, कहां लेके जा रही हो मेरे सामान को? मेरे कपड़े रखो, मेरे कपड़ों को रखो, छो मत इसको। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे प्रधान जी ने कहा है इस कमरे का सामान हटा के दूसरे कमरे में रखने को, वही कर रहा हूं। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान में हाथ लगा दी? ये मेरा कमरा है, मेरा, समझे? जाओ जल्दी मेरा सामान लेकर आओ, और जहां जहां जिस तरह रखा था वापस उसी तरह रख दो, जाओ। लेकिन बेबी मैं तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो चलो तुम, चलो चलो तुम भी चलो। ओए ये सामान यहां पे रखो, चलो चलो। पर दिन चढ़ा है, इन लोगों का कोई पता ही नहीं, जरा जाकर तो देखो कहीं रास्ता तो नहीं भूला ही। फिकर ना करो मामा जी, आप ही होंगे अभी। मेरा कमरा खाली करने को चले थे तुम दोनों? ए, की हो रहा है? हाँ? क्या धमा चौकड़ी लगा रखी तुम लोगों ने? तुमने कमरे की साफ सफाई की या नहीं? जी बीजी वो बात ये है कि बेबी ने मुझे। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई? निकालो गली से आवाज। बात क्या है समझ? अरे अशोक आओ 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 बेटा आओ, जीत रहो। नमस्ते। नमस्ते जीत, क्या हाल चाल है? नमस्ते भाई, बड़ी देर लगा दी आते आते। देर का हुआ प्रधान जी, अभी तो 10 भी नहीं बजे। अरे आज पता चला कि इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं। चलो शुक्र है आज पता तो चल गया। प्रधान जी ये अपनी राधिका बिटिया है ना? हाँ। कितनी बड़ी हो गई है? ये राधिका बिटिया है, इसमें हमारी जान बसती है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो। आओ बेटा। आजा बच्चा। हाँ भाई क्या समस्या चल रही थी तुम लोगों की? अरे बाऊजी मैं तो भूल ही गई थी। बाऊजी 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 मैं पूछती हूँ कि जब भी कोई मेहमान आते हैं तब इतनी बड़ी हवेली में आपकी नजर मेरे ही कमरे पर क्यों रहती है? बेटी तुम्हारा कमरा दरअसल हमारी हवेली की शान है, और मेहमान
हमारी जान है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान हमारे यहाँ शान से रहें। लेकिन बाबूजी, ये हमारे चाचा जी हैं ना? फिर चाचा जी घर के मेहमान थोड़ी ना होते हैं। बिल्कुल ठीक है प्रधान जी, हमें तो कोई भी कमरा चलेगा। राधिका इस हवेली की जान है, उसे शान में रहने दीजिए। यही तो हम कहना चाह रहे हैं बाबूजी, जान को शान में रहने दीजिए। अच्छा, लेकिन हमारा जो कमरा हो ना, वो इनके कमरे से जरा दूर होना चाहिए। क्यों, डर लगता है हमसे? नहीं नहीं, डरने वाली तो कोई बात है नहीं, पर संभल कर रहने में भलाई है ना। अच्छा बच्चू, ठीक है, सोना, काफी दिनों बाद ऐसी लड़ाई लड़ने का मौका मिला है, वो भी जब लड़ाई इन्होंने शुरू की है। मैंने लड़ाई शुरू की है? मैं तो दोस्ती में विश्वास रखता हूँ। ओए छड़, दोस्ती की बातें। प्रधान जी, इस लड़के से जीतना सचमुच बहुत मुश्किल काम है। बीजी 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 बीजी, आपको पता है बाऊजी हमेशा कहते थे अशोक बेटा अशोक बेटा, तो मुझे लगता था ये अशोक बेटा कोई छोटा सा बच्चा है जिसे मैं अपनी टोली में शामिल कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो अशोक बेटा का बेटा भी मेरी टोली के लिए सबसे बड़ा निकला। सोने चल, हम चलते हैं। रुक जा, जा। अभी लड़ाई बाकी है। और दोस्ती? जब लड़ाई जीत जाओगे ना, तब ये सवाल करना। अगर लड़ाई जीत गए तो, वरना मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बड़ी शरारती बच्ची है। जी प्रधान जी। हेलो। हेलो राष्ट्री, आप पहुंच गए? हाँ हम लोग पहुंच गए। तुम घर से कहीं बाहर हो क्या? हाँ बस आपके लिए शॉपिंग कर रही थी। राष्ट्री, अब शॉपिंग की क्या जरूरत थी? सुनो, तुम घर से बाहर मत निकला करो, अपना पूरा ख्याल रखना, और मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखूंगी और बाहर बाहर भी नहीं जाऊंगी और आपका इंतजार करूंगी। मेरा पंचम कैसा है? हाँ पंचम बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, तुम जल्दी घर वापस चली जाओ, ठीक है? ठीक है, बाय। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते मौसी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बस जरा विंडो शॉपिंग करने आए थे। गुड, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट हैंगआउट प्लेस, इसीलिए कभी-कभी चले आते हैं। लेकिन आप इतना सामान उठाए हुए, लाइए हमें दे दीजिए। अरे मैं ले जाऊंगी मौसी, दे दीजिए, वैसे भी इस हालत में इतना सामान उठाना ठीक नहीं है। और हम भाग के थोड़ी ना जाने वाले, अब घर वापस जा रही है ना, चलो आपको घर छोड़ दे। अरे गाड़ी लाई हूँ मैं। लेकिन आप खुद ड्राइव करके आई? नहीं नहीं बाबा, ड्राइवर है मेरे साथ, दो। हाँ तो गाड़ी में तो रखते हैं सामान। अच्छा चलो। बाय बाय। मीरा, होश संभालने के बाद ये मेरा पहला ट्रिप है इंडिया का। मैंने इंडिया के बारे में काफी तारीफ सुन रखी थी, स्पेशली बॉम्बे के बारे में, और सचमुच यहाँ रहते रहते धीरे धीरे मुझे इस जगह से प्यार होने लगा है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, बट वन थिंग आई नो दैट कि यहाँ के एटमोसफेयर में भले ही पॉल्यूशन हो, लेकिन यहाँ के लोगों के थॉट्स में बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। ये पीपल आर सो नाइस, सो केयरिंग, सो लविंग, यू नो। हे, मुझे लगता है आप मेरी बातें सुन सुनकर बोर हो रही हैं। और क्यों ना हो भाई, आप मुझसे पहले से यहाँ रहती हैं, आप मुझसे पहले से यहाँ के लोगों को जानती हैं, हाँ, isn't it? Never mind, let's go somewhere and have a bite. Okay. Excuse me. हम जब से बाहर आए मैं देख रहा हूँ, पहले मैंने आपसे कहा कि हम गाड़ी पार्क करके गार्डन में घूमने चलते हैं, तब आपने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि हम कहीं कुछ खाने चलते हैं, तो आपने कहा यस ठीक है। क्या आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है? हम हिंदुस्तानी लड़कियों को सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि पति की इच्छा को अपनी इच्छा समझकर हमें अपने पतिव्रता होने का धर्म निभाना चाहिए। वाओ, व्हाट अ लेसन। तो आप अपने पतिव्रता होने का बड़ी से पतिव्रता क्या प्रतिव्रता
तो आप अपने पतिव्रता होने का धर्म निभा रही हैं। गुड, तो इसका मतलब आपने अभी से मुझे अपना पति मानना शुरू कर दिया है। Well, in that case, I'll have to do something about it. चलिए। Please. मुझे रिश्ता मंजूर है आंटी। Actually, मैं आपकी बेटी का हाथ थामकर उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। The ball is in your court now. शादी की कौन सी डेट फिक्स करनी है, it's up to you. बेटा, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द मीरा की शादी हो जाए। आप कहिए तो सही। अरे आप कहिए तो आज और अभी कर ले, I don't mind for that also. वैसे भी वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और वो एक और कहते हैं ना कुछ कि चट मंगनी और पट ब्याह, you know? Actually, मंगनी की क्या जरूरत है? Of course, आंटी. According to the Indian culture, first engagement and then wedding. फिर चाहे दोनों रस्मों के बीच का फर्क एक पल का ही क्यों ना हो, मैंने तो मंगनी का वक्त भी तय कर लिया है। वक्त भी तय कर लिया है? Yes. कब का? आज। आज? अभी। अरे। Now on this very moment. Just a sec. अरे बेटा ये, अरे लीजिए अंकल, come on, take this. शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, लीजिए। मीरा, मीरा, बेटा उठो। मीरा, सुना नहीं तुमने? उठ जाओ बेटा। कबीरा गर्व न कीजिए, हाथ आगे करो। इस जो बन की आस, टेसु दिवस दस खंखर भया पलास, खंखर भया पलास, खंखर भया पलास।